टेलीविजन के फेमस कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार निभाने वाले अभिनेता कवि कुमार आजाद का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने दिल का दौरा आया था, जिसके बाद वो नहीं रहे। जानकारी के मुताबिक उनकी तबीयत पिछले 3 दिनों से ठीक नहीं थी, पिछली रात वो कोमा में चले गए थे। जानकारी मिल रही है कि कवि कुमार आजाद को मीरा रोड स्थित होकाट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह ही उन्होंने दम तोड़ दिया है। ये दुखद खबर मिलने के बाद फिल्म सिटी में चल रही शूटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। कवि कुमार काफी मिलनसार और हंसमुख किस्म के इंसान थे। उन्होंने आमिर खान की फिल्म मेला और फंटोस सहित कई फिल्मों में काम भी किया है। डॉक्टर हंसराज हाथी काफी लंबे समय से तारक मेहता का उल्टा चश्मा कॉमेडी शो में जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने अंतिम ट्वीट में लिखा था कि किसने कहा है कल होना हो, मैं कहता हूँ पल होना हो, हर लम्हा जियो। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कवि कुमार आजाद की लाइफ के बारे में। कवि कुमार आजाद ने अपने करियर की शुरुआत में काफी ज्यादा संघर्ष किया था। कई बार पैसे ना होने के कारण वो मुंबई फुटपाथ पर भी सोए हुए थे। बिहार के सासाराम में रहते थे कवि कुमार आजाद। कवि कुमार आजाद 6ठी कक्षा में फेल थे। कवि कुमार आजाद को पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। काफी संघर्ष के बाद कवि कुमार आजाद को एक प्रोडक्शन हाउस से फोन आया था। जब वो वहां पहुंचे तो उसको देखते ही डॉक्टर हंसराज हाथी के किरदार के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया गया। कवि कुमार आजाद का मानना था कि समय के पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। अपने आप और भगवान पे विश्वास रखो और मेहनत करो। कवि कुमार आजाद मानते थे कि अच्छे अभिनेता से पहले अच्छे व्यक्ति बनना जरूरी है। बस किसी को दुखी ना करो, बस इन्हीं का नाम ही तो जिंदगी है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद और जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।